बहुत ही कठिन बीमारी ठीक कर लेते हैं, तब स्वामी जी उनको बुलाते हैं और यहाँ उनसे मिलते हैं। तो है गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और ये होने वाला है पूरे योगग्राम का टूर, कि कहाँ पे क्या है वो बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो देखते रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। ये पीछे दिख रहा है आपको गेट, यहाँ से एंट्री होती है आपकी, आपके जो डॉक्यूमेंट है या MR नंबर देख के, उसके बाद जब यहाँ से एंट्री होती है उसके बाद इधर हम आते हैं आगे बढ़ते, जिधर मैं आगे जा रहा हूँ। तो इधर देखिए, ये यहाँ से रोड चालू हो चुका है। तो आप देखेंगे कि सीधे हम अगर आज जाते हैं थोड़ी दूर पे, कम से कम 50-60 मीटर की दूरी पर जब आगे जाते हैं, देखिए ये अथर्व हॉर्स राइडिंग कर रहा है, ये अच्छा लग रहा है। पीछे 60-70 मीटर की दूरी के बाद क्या आता है बताता हूँ मैं आपको। और वो पीछे जो ये वाला रोड जा रहा ना, ये आगे वहाँ कैंटीन पे मिलता है और तपस्वी कुटिया महर्षि कुटिया पे मिलता है। फिर यहाँ से आगे जब बढ़ते हैं, आगे बताता हूँ मैं सीधे, तो थोड़ी दूरी पे जाने पर ये यहाँ पर आपको एक तालाब दिखाई देगा, जो इंडिया TV पे कभी कभी लाइव आते हैं ना, तो वो वहाँ से आते हैं स्वामी जी। और फिर ये इधर से देखिए, ये बस स्टैंड है इधर सामने ही। फिर यहाँ से इसके सामने देखेंगे तो ये रहा रोड और ये रहा यहाँ पे तालाब। देख रहे हो आप तालाब, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पर। मैं अभी तक आया नहीं हूँ इसके, यहाँ पर मैं पहली बार आया हूँ, मतलब इतना अंदर तक यहाँ तक उतरा हूँ मैं, कि तालाब है काफ़ी सुंदर है। इसके वहाँ कोने पे कुछ रुद्राक्ष के पेड़ वगैरह भी है अंदर, देखो वो कुछ एक्सरसाइज भी कर सकते हो आप। ये ब्रिज दिख रहा है ना, इस पे से आप वहाँ अंदर तक जा सकते हो। फिर वापस हम यहाँ से बाहर निकल जाते हैं, तो जब यहाँ से हम बाहर निकलेंगे तो वापस उसी रोड पे आ जाएंगे जहाँ से, उस गेट की तरफ से जो आए हैं। और हम इसके सामने ये रोड क्रॉस करने का क्रॉसिंग, इस पे से निकल जाएंगे। तो इधर चलने पे आपको दिखाई देगी, यहाँ ही से बाहर से दिखा देता हूँ, नर्सरी। आप यहाँ से आपको जो जड़ी बूटियों के पौधे या फिर आपको कोई पौधा चाहिए तो वो यहाँ से आप ले सकते हो। ये सुबह 7:30 से 12 बजे तक और 2 बजे से दोपहर में शाम को 5 बजे तक खुला रहता है। ये यहाँ पर इसका काउंटर है, यहाँ से आप ये नर्सरी से पौधे ले सकते हो जब आप जाओ तो। और जस्ट इस नर्सरी के पास में से ये रोड जो जा रहा है, ये आगे बस स्टैंड है वहाँ अंदर, यहाँ से जब आप जाएंगे तो सुबह आपको 8 बजे बस मिलेगी और 12:30 बजे दिन में, उसके बाद कोई बस नहीं है। फिर आपको प्राइवेट कुछ मंगवाना पड़ेगा, टैक्सी वगैरह, तभी जा सकते हैं उससे। फिर उसके पास में जस्ट यहाँ पर थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आएगा मेगा स्टोर। ये मेगा स्टोर आने पर आप यहाँ पे कुछ भी खरीद सकते हैं, दवाइयाँ, कुछ चीज़ें हैं, प्रोडक्ट, तेल, शैम्पू वगैरह, जो भी आपको दैनिक उपयोगी चीज़ें कहीं चाहिए तो ये मेगा स्टोर है, यहाँ से ख़रीद सकते हैं आप। फिर मेगा स्टोर से हम ये मेगा स्टोर इससे आगे बढ़ने पर यहाँ से देखेंगे आप रिसेप्शन। जब आप अंदर आते हैं तब यहीं पे आपको सारी कार्रवाई करना होती है, यहीं से आप एंट्री मिलती है और जाने के टाइम पे भी। और फिर इसके सामने एक और है क्रॉसिंग ब्रिज रोड का, तो ये यहाँ से इधर जब हम आ जाएंगे नीचे तो देखो ये सामने है, ये हॉर्स राइडिंग होती है यहाँ पे। 150 रुपये की पर्ची आपको यहीं रिसेप्शन से ही कटवाना होगी। ये भी जब आप चलेंगे और आगे, तो थोड़ी दूर और आगे आने पर और आपको मिलेगा यहाँ पर ये फवारा, ये चौराहा है यहाँ पे, बहुत ही शानदार लाइट और फवारा चलता है रात को। इसकी लेफ्ट साइड में, मतलब मैं खड़ा हूँ तो देखेंगे तो कैंटीन है ये रहा, और एक रास्ता ये जा रहा है कैंटीन के सामने से उधर, नेचुरोपैथी के लिए भी जा रहा है और महर्षि कुटिया और तपस्वी कुटियाओं के लिए भी है। और इधर जा रहा है जनरल वार्ड वगैरह, इसके लिए जा रहा है। तो अभी हम सीधे सीधे चलेंगे इस चौराहे पर, सीधे सीधे जब आगे हम निकलेंगे तो यहाँ पे से दो चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट बता देता हूँ क्या है। ये सारे केबिन है ना, जब रिसेप्शन पे से आपको भेजेंगे ना, तब यहाँ पे से किसी अगर डॉक्टर के पास भेजा आपकी बीमारी के हिसाब से, तो यहाँ आना है। और उस रिसेप्शन के पीछे जब कुछ डॉक्टर के और केबिन है, वहाँ अगर भेजा तो वहाँ जाना है। उसके बाद ये पंचकर्मा महिलाओं का सेंटर है रोड के इस पार, आपको समझ में आ रहा है, हम सीधे सीधे आ रहे हैं, कहीं पर भी नहीं मुड़ रहा हूँ मैं। तो ये पंचकर्म का सेंटर है सामने महिलाओं का। अब यहाँ से सीधे सीधे जब हम और आगे बढ़ेंगे, तो जब और आगे बढ़ेंगे तो ये क्रॉसिंग आ जाएगा। फिर आपको अगर उस रोड पे जाना है तो आगे बढ़ते जाएंगे अभी हम। और ये यहाँ पर तपस्वी कुटियाएँ हैं सारी बनी हुई, यहाँ पर भी बनी हुई है, इसके पीछे भी बनी हुई, इनके पीछे तपस्वी कुटियाएँ और बनी हुई है। जो मैंने आपको बताया था ना कि पीछे वहाँ तालाब के उधर से घूम के आ रहा रास्ता, वो भी यहाँ आ रहा है। ये आ जाता है यहाँ पर पंचकर्म पुरुषों का, पुरुषों का जो पंचकर्म सेंटर है यहाँ पर है।
और यहाँ पे पुरुष और महिलाओं दोनों को डॉक्टर को दिखाना होता है अगर यहाँ पे रेफ़र करते हैं तो। दवाई गोलियाँ वाले डॉक्टर वैसे आपको जो लिखते हैं वो यहीं पे से करेंगे, और उसके बाद महिलाओं को अपने पंचकर्म सेंटर पे अगर पंचकर्म करवाना है तो वहाँ जाना पड़ता है। ये देख लीजिए, ये पंचकर्म सेंटर है, ये टंकी के पास वाला। और सुबह जल नीति, आई वॉश, रबर नीति, सूत्र नीति, एनिमा, इसी सेंटर पर आना रहता है। पीछे इसके वहाँ वो दो व्यक्ति खड़े ना, वहाँ पे से है अंदर जाने का रास्ता। फिर ये कुटियाएँ आ गई, और तपस्वी कुटियाएँ हैं, और ये यहाँ पे टंकी है। तो आपको समझ में आ गया कि जब सुबह आपको आना है तो यहीं आना है, 4 से 4:45 के बीच में। लेडीज़ और जेंट्स दोनों को यहीं आना है, क्योंकि दोनों का बीच सेंटर में, महिला और जेंट्स का जो पंचकर्म है सेंटर, उसके बीच में ही होता है सब जल नीति, आई वॉश वगैरह, सभी रबर नीति वगैरह, एनिमा वगैरह। उसके बाद ये यहाँ से एक रास्ता जा रहा है, पीछे और भी कुटियाएँ हैं, महर्षि कुटियाएँ हैं पीछे इस पंचकर्म सेंटर के, और इधर ये तपस्वी कुटियाएँ हैं। चली रही, इनके सामने गार्डन दिखाई दे रहा होगा, सामने से धूप आ रही, थोड़ा काला काला दिख रहा है। अगर टंकी के पास में एक चीज़ और है, लॉन्ड्री है। यहाँ पे से आप ना अपने कपड़े वगैरह धुलवाना हो तो वो करवा सकते हैं। यहाँ से फिर हम आगे और बढ़ते हैं। तो अभी तक हम वहाँ सीधे सीधे चलते हुए ही आ रहे हैं, कहीं नहीं मिलते हैं हम। मैं सीधे सीधे आपको केवल बातें बता रहा हूँ। फिर यहाँ से जब हम सीधे थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए टंकी से, ये देखिए यहाँ टंकी से हम आगे आ गए इस और सीधे रोड पे, तो ये तपस्वी कुटियाएँ हैं। और यहाँ वो रास्ता मिलता है जो कैंटीन से आ रहा है, कैंटीन से आ रहा वो रास्ता भी मिलता है, और वो तालाब के वहाँ से आ रहा वो रास्ता भी मिलता है जो आपको मैंने शुरू में बताया था। फिर यहाँ आते हैं, यहाँ पर कुछ एलोवेरा वगैरह, कैक्टस वगैरह उग रहे हैं। उसके बाद में ये यहाँ पर है झोपड़ी कॉटेज, ये बिल्कुल डोम के पास में है, और इनका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, बहुत ज़्यादा दिन रुकने वाले को ही दी जाती है, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति ख़राब होती तभी मिलती है ये। आपने जब तक का पैसा वहाँ ऑनलाइन जमा करा जब तक तो आपको आपके टेंट या किसी कॉटेज में रहना ही है। उसके बाद अगर ये आप नहीं अफोर्ड कर पा रहे तो रिक्वेस्ट करना पड़ती, तब यहाँ पर आते हैं झोपड़ी कॉटेज में। देखिए अभी वहाँ से चलते चलते यहाँ आ गए, ये है यज्ञशाला, और वो रास्ता बता रहा हूँ ना, ये रास्ता घूम के नेचुरोपैथी जाता है, और यहाँ से भी नेचुरोपैथी जाते हैं, और वो सेंटर है नेचुरोपैथी के, महिलाओं का इधर है, पुरुषों का उधर है। थोड़ा और आगे बढ़ते जा रहे हैं, डोम आ जाता है इसको, योग भवन है अत्याधुनिक, और इसको यहाँ से रोड को भी आप क्रॉस कर सकते हो। रोड को क्रॉस करने के बाद ये डोम दिख रहा है, ये डोम, इसके अंदर एक्यूप्रेशर होता है, सुबह होता है 9 बजे के आसपास से शुरू हो जाता है, और शाम 3 बजे से लेकर 5 बजे तक रहता है इधर एक्यूप्रेशर। और यहाँ पे तब योग होता है जब बारिश वगैरह या तूफान वगैरह आए, तब यहाँ पे योग होता है। और इसी के पीछे, इस डोम के इसके पीछे, मतलब उधर की तरफ यहाँ से रास्ता है, और इधर पीछे से भी, वहाँ अंदर से भी जा सकते हैं, बीच में शौचालय टॉयलेट वगैरह सारे उधर हैं। और इसी के पीछे योग मैदान, ये देखिए अंदर एक्यूप्रेशर चल रहा है सबका। ये हॉल तो आपने देखा ही होगा, नहीं देखा तो आप भी देख लो। आप इसको मैं अंदर से भी दिखा दूँगा, तो चप्पल यहाँ ही खोल जाता हूँ मैं। फिर इधर से जब हम जाते हैं आगे, तो घूमते हुए मैं बताता हूँ क्या है आगे। तो घूमते हुए और आगे आ गया हूँ मैं, यहाँ पर है लेटरिन बाथरूम बने हुए हैं इधर, बड़े स्पेशल है, जेंट्स के हैं, उधर सामने लेडीज़ के हैं ये। और यहाँ से अगर आप और देखेंगे तो ये, और इस योग भवन के पास में ही जस्ट यहाँ पर है बड़ा मैदान, जहाँ से आप सुबह योग करते हुए सभी को देखते हैं आस्था चैनल पर। ये बारिश नहीं होती है, तूफान नहीं होता है, तब यहीं पे योग किया जाता है। भयंकर ठंड ना हो तब भी यहीं पे योग किया जाता है, वरना डोम में करते हैं। और ये पूरा मैदान आपको देख रहे हो, और ये जो रास्ता आ रहा है वो पानी की टंकी आपको रास्ते में दिखाई थी ना, वो वहाँ के पास में से इसका रास्ता है, यानी पंचकर्म सेंटर से भी आप आ सकते हो। और यहाँ से हम अंदर चलेंगे इस डोम के अंदर, इसके अंदर क्या है वो बताता हूँ मैं वापस। तो अब ये डोम योग भवन है, यहाँ पर अंदर आया हूँ मैं। तो यहाँ देखो कितने बढ़िया पंखे लगे हैं, बड़े बड़े, ये 8 पंखे लगे हुए हैं यहाँ पर, बड़े बड़े। इनकी आवाज़ नहीं होती है पर ना हवा बहुत शानदार देते हैं। और ये सभी योग क्लास अलग अलग, यहाँ पर अलग अलग बेड लगे हुए हैं। इधर डायबिटीज़ वाला सेक्शन है, इधर डायबिटीज़ के बच्चे योग करते हैं, बहुत शानदार है ये। अब यहाँ से हम बाहर निकल गए वापस योग भवन से, उधर से एंट्री लेके हम इधर आ गए हैं। अब मेरी चप्पल वहाँ रखी थी वो ले लेता, फिर आगे बढ़ता हूँ। तो हम वहाँ रोड पे से इस रास्ते से आए हैं, हम आगे भी जा सकते हैं, और हम इस रास्ते से जा रहे हैं पर। तो इधर से चलते हैं, अब आगे की तरफ क्या है वो बताता हूँ मैं आपको।
इसके आसपास फूल वगैरह बहुत बढ़िया। मेरा कैमरे की क्वालिटी शायद अभी कमज़ोर पड़ रही है, इसलिए मैं बता नहीं पा रहा हूँ सही से। यहाँ से हम बाहर हो जाते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ से आगे बढ़ने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर शायद इलेक्ट्रिसिटी का पूरा काम है। और इधर ये है निरामयम, वो वहाँ गेट दिख रहा ना, वहाँ से भी अंदर एंट्री है। और निरामयम के का रजिस्ट्रेशन होता है वेलनेस की वेबसाइट से होता है, इसका योग्राम की वेबसाइट से नहीं होता है। और ये वही जगह है जहाँ पे बहुत महंगे महंगे कॉटेज है, और स्वामी रामदेव जी भी यहीं पे आते हैं जब उनसे मिलना होता है, उनसे मिलते हैं। और ये गाड़ियाँ चलती है पूरे योग्राम में, फ्री चलती है, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं सारी फ्री चलती हैं। और मैं भी पैदल पैदल काफ़ी दूर आ गया हूँ, पीछे पलट के देखूँ तो आपको गेट दिखाई भी नहीं दे रहा होगा, अब दूर दूर तक 1 किलोमीटर लगभग पैदल पैदल आ गया हूँ मैं चलते चलते। और यहाँ पे आगे जाते हैं तो ये निरामयम दिख गया आपको। निरामयम और योग्राम में अंतर यही है कि ये बस ये सेक्शन जो है निरामयम का है। और ये पलाश जी आ गए हैं, मेरे फ्रेंड है। अगर किसी को लगता है कि निरामयम योग्राम के साथ ही है तो ऐसा नहीं है, योग्राम के अंदर है। निरामयम के सारे काम अलग है, यहाँ पे सारी चीज़ें अलग होती है, ट्रीटमेंट भी यहीं अंदर होता है, ये बाउंड्री बनी हुई है इसके अंदर ही, और ट्रीटमेंट वगैरह सभी इनके कॉटेज में ही होते हैं, ये योग्राम में नहीं आते हैं। खाना भी इनका अलग है, मैं बताऊंगा आपको कैसे है, और सारी चीज़ें मतलब अलग है, केवल योग में एक साथ आते हैं सब। तो स्वामी जी का ऑफिस यही है यहाँ, मतलब पूरा हॉल वगैरह यही है यहाँ पहला, और ये इस गेट के पास में ही है, और यहीं पर मिला भी था मैं अभी स्वामी जी से। और आगे जा रहा हूँ मैं, अब ये निरामयम लिखा हुआ है ये। अब ये देखिए नए टेंट कॉटेज, जिनको निसार्ग नाम है, आप वेबसाइट पर देखेंगे तो निसार्ग के नाम से ये सारे यहाँ से चालू होते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। ये ए ब्लॉक है, जैसे कि ये बी ब्लॉक आ गया है यहाँ पर, ए ब्लॉक वहाँ से आगे है। यहाँ पे इनका जो मैनेजर है शायद यहाँ निसार्ग के जो है ना हेल्प डेस्क, वो यहीं है, सारी चीज़ें मैनेजमेंट यहीं से होता है उसका। ये बी ब्लॉक आ गया है यहाँ पर, और आगे हम चलते हैं, ये आ गया है सी ब्लॉक। काफ़ी दूर दूर तक है ये सारे ब्लॉक, यहाँ से आप देख सकते हैं ये ऐसे लंबे लंबे बहुत दूर तक बहुत सारी कुटियाँ निसार्ग। और ये टेंट कॉटेज ही थे, पर अब ये पक्के हो गए, मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया डाला है, देख लेना आप। ये वहाँ से निरामयम चालू हुआ था आपको पता है, तो यहाँ तक आते 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 अभी तक मतलब यहाँ पे भी एंड नहीं हुआ है, ये डी ब्लॉक है इसका, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आगे बढ़ते बढ़ते हम यहाँ आ गए, ये ख़त्म हुआ यहाँ आके अब। और निरामयम वाले सारे ना भोजन कहाँ करते बताऊँ, ये निरामयम वालों का भोजनालय है, यहाँ केवल निरामयम वाले भोजन करते हैं, भोजन में कोई अंतर नहीं है, मैंने कई लोगों से पूछ लिया है। यहाँ देख रहे हो ख़त्म हो गए, कौन से निसार्ग कॉटेज लगभग ख़त्म हो गए, यहाँ पे योग्राम का एंड आ गया है, ये भोजनालय है निरामयम, देख रहे हो ऊपर लिखा हुआ है निरामयम भोजनालय कक्ष। यहाँ से हम शॉर्टकट में बता रहा हूँ, वैसे रास्ता उधर से है इसका, फिर हम जाते हैं आगे की तरफ। तो इधर आगे बढ़ेंगे हम, तो यहाँ पर भी रोड बना हुआ है, मैं आया था जब यहाँ पर रोड नहीं था, ये यहाँ से वहाँ तक रोड बन गया है। यहाँ से आगे बढ़ने के बाद मैं आपका बताता हूँ, जो निसार्ग कॉटेज नए पक्के वाले कॉटेज हैं वो पहले ऐसे कॉटेज थे, इनके जैसे टेंट कॉटेज की तरह। और मैं G21 में इधर ही था जब मैं यहाँ नया नया आया था, और फिर बाद में मैंने चेंज करवा लिया कॉटेज, क्योंकि मैं नहीं एफोर्ड कर सकता था, अकेला रह रहा था ना इसलिए। तो यहाँ तक आने के बाद आप देख सकते हैं ये सारे टेंट कॉटेज हैं, हम इधर से ही निकल जाते थे, हम इन टेंट कॉटेज के बीच में से, ये हमारा कॉटेज था G21, अब इधर से ही हम इधर से निकल के आगे बढ़ जाते थे, फिर आगे बढ़ते हुए इधर से क्रॉस करते हुए इस रास्ते से कच्चे रास्ते से इधर से भी जा सकते हैं आप, और इधर से भी जा सकते हैं, मैं इधर से ही लेके चलता हूँ आप इधर भी। हाँ वो सामने दिख रहा है झोपड़ी कॉटेज, वहाँ पर भी जो ये निरामयम के भोजनालय के पास में, यहीं से निकल के आ गया हूँ मैं टेंट कॉटेज चलते हुए इधर। अब आपने सारी चीज़ें समझ ली होगी कि कहाँ पे क्या है, तो मैं आपको अब कुछ कुछ चीज़ें और शॉर्ट में बताऊँगा धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, तो आप समझना मैं रिवर्स जा रहा हूँ सारे रोडों पे। ये देखो गाड़ी जा रही है। तो गाइज हम वापस यहाँ तक आ गए हैं डोम तक, रिवर्स, आप समझ रहे हो ना, रिवर्स मतलब मैं वापस जा रहा हूँ गेट की तरफ, पर इस बार मैं इस रास्ते से नहीं जाऊँगा, इस रास्ते से जाऊँगा, आपको बताता हूँ क्यों। वीडियो में बने रही है, वहाँ तक
मैं चलता हूँ यज्ञशाला तक, जब तक आप है ना लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि जब भी मैं आपके लिए हेल्प करने के लिए वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो देखिए मैं वहां से आ गया हूं यहां तक। ये यज्ञशाला जो है यहां पर क्या है पता है आपको? यहां पे जो नए लोग आते हैं ना उन सब की ब्रीफिंग होती है, उनको सबको विस्तार से समझाया जाता है कि आपको क्या करना है, कहाँ पर कब जाना है, जो कि मैं इस वीडियो में कर रहा हूँ आपके लिए वही काम करना है। और इसके यहाँ के रास्ते से आप उतर के नेचुरोपैथी सेंटर जा सकते हैं, वही यज्ञ थेरेपी के लिए भी यहाँ से उतर के वहाँ जा सकते हैं, जो कि हम अभी इधर से जाएंगे। और आपको मैं बता रहा था ना जो योग मैदान का रास्ता टंकी के यहाँ से भी है उधर की तरफ। ठीक है, अब हम इधर पलट जाते हैं, पलटते सीधे जाएंगे उस रोड तक, तो वहाँ तक बीच में रास्ता आप तय कर लीजिए। ये जितने भी जा रहे हैं ना सबकी छुट्टी हो गई है 6 बजे, बिना गेट पास के जा नहीं सकते हैं। जो भी काम करते हैं ना यहाँ पर, थेरेपिस्ट है या कोई भी है, तो सारों बंदों को ना गेट पास जरूर बनता है। और नेचुरोपैथी सेंटर के जो जहाँ का है मतलब उसके बाहर भी गार्ड है, तो वहाँ पे भी गेट पास ही होता है। और ये आ गए हम यहाँ पे जहाँ पर यज्ञ चिकित्सा यहाँ पर है, और इस रास्ते से भी आप जा सकते हैं वहाँ आगे नेचुरोपैथी सेंटर। फिर वहाँ पे आप इधर से भी जा सकते हैं नेचुरोपैथी सेंटर और यज्ञशाला जा सकते हैं। और इधर ये तपस्वी का कुटियाओं का रास्ता है, इधर से भी है और एक ये यहाँ से इधर है। वैसे मेनली ये रास्ता सही है, तो यहाँ से आप कैंटीन जा सकते हो। और ये सारे तपस्वी कुटिया महर्षि कुटियाएँ हैं, एक तरफ सारी तपस्वी कुटियाएँ हैं और एक तरफ सारी महर्षि कुटियाएँ हैं। ठीक है, तो देखिए अभी हम ना 83 से 96 तक वाले तपस्वी कुटिया के सेक्टर में आ गए हैं। अब बस एंड है इस रास्ते का, चलते चलते आगे बढ़ रहा हूँ मैं। ये देखिए महर्षि कुटियाएँ हैं सारी। अब देखिए हम आ गए हैं एंड पर इस रास्ते से, ये वही है नेचुरोपैथी सेंटर और वो मेन रोड पे से हम थोड़ा साइड में घुसे वो, और यहाँ से आ जाता है वही फंवारा जो अब चालू हो गया, दिख रहा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और वो कैंटीन। और इधर से घूम के तालाब से होके जहाँ से मैंने गेट शुरू करा था वो है, यहाँ से घूम के जाएंगे तो उधर तो नहीं जा रहा हूँ मैं, इधर जा रहा हूँ वापस उस फंवारे के पास में। तो ये देखिए यहाँ पर हम आ चुके हैं फंवारे की तरफ जा रहे हैं। ये वही है सारे कॉटेज जो डॉक्टर के मैंने बताए थे वो, और जस्ट सामने यहाँ पर आप देख रहे हो कौन कैंटीन, खाना मिलता है यहाँ पर। भूख लगती है जब बहुत भयंकर यार, जब देखो इसी की याद आती है। फिर आगे बढ़ते हुए हम यहाँ आ जाते हैं बीच सेंटर में फंवारे पे, और यहाँ एंड हो गया है हमारा ये व्लॉग का। शायद आगे चलते हैं, और अभी हम चलते हैं रिसेप्शन की तरफ। तो देख सकते हो आप रिसेप्शन की तरफ जा रहा हूँ मैं, और आपको यहाँ से पूरा समझ में आ गया होगा वो गेट दिख रहा है अब आपको, तो वहाँ गेट पे। और ये सारे थेरेपिस्ट की छुट्टी हो चुकी है। रिसेप्शन पे आप देख सकते हैं यहाँ से अगर आप पीछे पलटेंगे तो ये देख लो फंवारा, यहाँ पे मैंने इसको क्रॉस कर लिया है। और यहाँ से आगे बढ़ते हैं अगर हम इस दिशा में, तो आपको यहाँ से दिखेगा एक नया कुछ भवन बन रहा, हो सकता आने वाले टाइम पे ये रिसेप्शन हो। और यहाँ से जो एक रास्ता जा रहा है इधर की तरफ वो योग मैदान और योग भवन दोनों के लिए जा रहा है, और इसी रास्ते से आप पीछे पंचकर्म के लिए जा सकते हैं। पुरुष और महिला दोनों का सेंटर पीछे से सारे लेट बाद बने हुए हैं, और वहाँ से आप पंचकर्म जा सकते हो, शॉर्टकट बता रहा हूँ मैं आपको। तो देखिए यहाँ पे ये फंवारा है, वहाँ से इधर जाने का रास्ता है, यहाँ महिला आगे पुरुषों का पंचकर्म और जल नीति सूत्र नीति वगैरह जो होती है वो है, और ये कुछ कुटियाँ इधर भी बनी हुई है। तो ये हो गया व्लॉग एंड, मैं जा रहा हूँ मेरे जनरल वार्ड में इस तरह। आई होप कि ये वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूँ वीडियो बनाने के लिए। तो यहीं तक इस व्लॉग को रखते हैं, और तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।